राजा दाऊद को परमेश्वर ने अपने ही मन की इच्छा के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य ठहराया, और दाऊद ने भी सदा अपना मन पूरी तरह से, चाहे दुख में या सुख में, उनके सामने खोल दिया। भजन संहिता में हर बार दाऊद खुलकर अपनी बात परमेश्वर के सामने रख देता है और आखिर में उनके सामने अपना सिर झुकाकर फैसला उन पर छोड़ देता है, जैसे दोनों आमने सामने खड़े हों। परमेश्वर की हजूरी या प्रेजेंस में आने के बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, और आज हम उसमें बने रहने के बारे में जानेंगे। लेट्स बिगिन विद द स्क्रिप्चर रीडिंग। परमेश्वर का वचन हमने लिया है भजन संहिता की पुस्तक से 15वां अध्याय। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। परमेश्वर की हजूरी में आना और बने रहने में खास डिफरेंस या क्या भिन्नता है? परमेश्वर की हजूरी में आना अपने मन को, अंतर मन को, बॉडी और सोल को दूसरी चीजों से हटाकर लाना है और उनकी हजूरी में अपना पूरा मन, जैसे ड्यूटरोनॉमी में कहा गया है, लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड, पूरी तरह से उनके ऊपर केंद्रित हो जाना और वहां पर बने रहना है कि परमेश्वर के तरफ पूरी तरह से उनके आदर में, उनकी महिमा में जुड़ जाना और बस वहां आनंदित होना। हम अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में ले आते हैं उसकी महिमा, उसका आदर करने के लिए, याद करने के लिए कि वो हमारे परमेश्वर हैं, उनका प्यार हम जान सके, फिर उनका प्यार जो कि उनके पुत्र द्वारा जाहिर किया गया है, और फिर आत्मा के अंदर से उनके सामने प्रोस्ट्रेट, उनके सामने बिल्कुल पूरी तरह से झुक जाना, उनकी आज्ञा, उनके वचन को सुनने के लिए तैयार होना, जस्ट टू लिसन टू हिम, कि वो बोले और मैं सुनूं, मैं उनकी इच्छा को जानूं, मैं उनके मन को समझने की कोशिश करूं। उनकी हजूरी में बना रहना उनके मन को, उनकी इच्छा को जानना है। पहला शमूएल 3 अध्याय उसकी 7 से 10वीं आयत तक। शमूएल नबी एक बच्चा है जिसे उसकी माता ने वहां मंदिर के अंदर छोड़ दिया है। एली महायाजक है। परमेश्वर पुकारते हैं शमूएल को, शमूएल, और वो उत्तर देता है और भागता है एली की तरफ। वो सोचता है उसे एली ने बुलाया है। 2 बारी होने के बाद तीसरी बारी एली उसे बता देता है कि जब अभी वो बोलेंगे तो सिर्फ ये बोलना, बोलिए परमेश्वर, योर सर्वेंट इज लिसनिंग, आपका दास सुनता है। ये 6 शब्द हैं जो हम सबके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। जब हम बैठते हैं उनकी हजूरी के अंदर, जब हम अपने मन को, अंतर मन को, अपनी आत्मा को उनके सामने झुका देते हैं और ये बोल देते हैं, बोलिए परमेश्वर, तुम्हारा दास सुनता है, आपका दास सुनता है, और फिर हम लग जाते हैं इस आशा के अंदर कि वो बोलेंगे, उनका वचन सुनने के लिए। और फिर 19वीं आयत में लिखा है, शमूएल बड़ा हुआ और परमेश्वर उसके साथ था, और परमेश्वर ने उसका एक भी वचन भूमि पर गिरने नहीं दिया। मतलब ये कि जो भी उसने बोला वो पूरा हुआ, गिरने नहीं दिया। मैं कुछ भी
प्रार्थना के अंदर अवेलेबल होता हूं, मैं इसलिए नहीं होता कि मैं अपना कुछ कहना है, मैं वहां जाता हूं अपना जो कमी है, जो मेरी मिजरी है, जो मेरा कुछ भी नहीं, मेरा खालीपन है, वो रखता हूं परमेश्वर के सामने, ताकि वो उस खालीपन को भर दें अपने प्यार से, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने वचन से। प्रेरितों की पुस्तक के 7:48 में लिखा है, परम प्रधान परमेश्वर हाथों से बनाए हुए घरों के अंदर नहीं रहता, वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह वो प्रेजेंट है, और वो किसी एक जगह पर सीमित नहीं है, कहीं हम उनको बांध नहीं सकते कि यहां पर ही परमेश्वर है, बाहर नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। पुराने नियम के अंदर उनकी हजूरी मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी कि वो मंदिर के अंदर हैं। उसके बाद में इमैनुअल का फेज होने पर, प्रभु यीशु के आने के बाद में वो हमारे साथ हो गए, और इन दोनों स्थितियों के अंदर उनकी जो हजूरी है किसी एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए सीमित नहीं कि यहां पर ही होंगे। प्रभु यीशु भी सब जगह गए और परमेश्वर भी सब जगह है। उनकी प्रेजेंस या उनकी नजदीकी एक उदाहरण है दो तरफ से। एक तो ये कि हमारा उनकी मौजूदगी में आना, उसका हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हम उसको कैसे समझते हैं, कैसे महसूस करते हैं, और दूसरा है परमेश्वर का अपने आप को जाहिर करने का तरीका क्या है, किस प्रकार वो आते हैं हमारे सामने। पौलुस रसूल देखते हैं दमिश्क की रास्ते के ऊपर वो अद्भुत रोशनी, और सुनते हैं प्रभु यीशु की आवाज, आंखों पर अंधेरा छा जाता है, अंधे हो जाते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जानना उन्हें और नजदीकी से समझने के लिए है, और नजदीकी से उन्हें जानना, उनके प्यार को, उनकी शक्ति को जानना, ताकि ये हमारे जीवन के अंदर बदलाव लाए, और प्रभु यीशु उनका हमारे साथ होना ये एक अद्भुत आशीष का कारण बन जाता है। अद्भुत आशीष, वो कहती है मैं तुम्हारे साथ हूं, साथ है तो बल उनका है, उनका प्यार है, उस बल के अंदर फिर हम चलते हैं। भजन संहिता 100:2 में लिखा है, परमेश्वर को सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस, आनंदित होकर उसकी आराधना करो और उनके हजूरी में आओ गाते हुए, जॉयफुल, इंटेंस जॉय, अद्भुत खुशी, आनंदित। राजा दाऊद जब प्रभु परमेश्वर की जो आंख है जब उसे लेके आते हैं यरूशलम में, तो वो नाचता है, आगे राजा है वो नाचता है, इतना आनंदित है परमेश्वर आ रहे हैं उसके कैपिटल के अंदर। ये इतनी खुशी होनी चाहिए, इतना संतुष्टि हो कि वो उनकी हजूरी हमें इस प्रकार अद्भुत खुशी से भर दे। दूसरा हिस्सा है परमेश्वर का हमारे ऊपर जाहिर करने का तरीका। भजन संहिता 114:7-8 में लिखा है, धरती परमेश्वर के सामने काम, यकूब के परमेश्वर के सामने काम, ट्रेम्बल एट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ द गॉड ऑफ जैकब, जो के चट्टानों को पानी में बदल देते हैं, जो पत्थर को पानी में, पानी के झरनों में बदल देते हैं। स्टनिंग थिंग्स, अनबिलीवेबल थिंग्स, मिरेकुलस थिंग्स फिर होती हैं, अद्भुत चीजें, चमत्कार होते हैं फिर जब उनकी प्रेजेंस हम महसूस करते हैं, हम जानते हैं। चंगाई तन और अंतर्मन की, बॉडी एंड सोल आर क्लेंस्ड, बॉडी एंड सोल आर हील्ड, एवरीथिंग हैपेंड देयर। पौलुस रसूल ने महसूस किया और जा रहे थे वो विश्वासियों को पकड़ने के लिए, बदल जाते हैं। फिर हम चाहे वो रियलाइज करें, समझें या ना समझें, फिर वो हमारे ऊपर, हमारे द्वारा अपना जो उनका अद्भुत आशीष है, इन्फ्लुएंस है, हमारे द्वारा उनकी वो खूबसूरती, उनकी आशीष का वो मौजूदगी दूसरों के ऊपर चमत्कारी तरीकों से जाहिर करते हैं। वचन में लिखा है आप परमेश्वर के संत की आकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, फिर उनके द्वारा वो चमत्कार होते हैं।
परमेश्वर की हजूरी को महसूस करने का ये तरीका है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को किस तरह पहचान सकते हैं? इससे पहले कि मैं ये बताऊं, मैं एक कहानी बताना चाहूंगा। एक इंसान परमेश्वर की उस वादे के ऊपर बन गया कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब वो चलता था रेत के ऊपर समुद्र के किनारे पर, तो चार पैरों के निशान दिखते थे, हालांकि वो अकेला ही होता था। कुछ समय बाद वो बीमार हो गया, कंगाली आ गई, तो जब वो चलने लगा तो उसे सिर्फ दो ही पैरों के निशान दिखने लगे। कुछ और समय बीत गया, फिर वो चार पैरों के निशान हो गए, क्योंकि तब तक वो बीमारी से निकल चुका था, थोड़ा कर्जा भी कम हुआ था। तब उसने शिकायत की, परमेश्वर जब मैं दुख में था, जब परेशानी में था, तो आपने भी मुझे छोड़ दिया। उत्तर आया कि जो वो दो पैरों के निशान थे वो मेरे पैरों के निशान थे, क्योंकि मैं तुम्हें उठाकर चल रहा था। प्रभु यीशु यही हमारे साथ करते हैं। मत्ती 28:20 के अंदर वो वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इस युग के अंत तक हूं, और फिर यूहन्ना 14 में वो कहते हैं, अच्छा है कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि मेरे जाने के बाद सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारे पास आ सकते हैं। रोमियो के की पुस्तक के पहले अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, धर्मी जन विश्वास में जिएगा। और फिर इब्रानियों की पुस्तक के 13वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने यह वादा किया है कि वो ना कभी हमें त्यागेंगे ना छोड़ेंगे। हम ये यकीन कर सकते हैं कि जहां पर भी हम हैं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुख भरी और कठिन परिस्थिति में, वो हमारे साथ होंगे। हालांकि हम बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं उस परेशानी से निकलने के चक्कर में कि हम उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं करते, हम जान ही नहीं पाते। हम ये कैसे कह देते हैं कितनी बार, अरे ये कैसे बच गए, हम एक्सीडेंट होते बच गया या क्या हुआ। लेकिन हम ये एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। वो सदा है, वो वादा है, तो वो सदा है। परमेश्वर की हजूरी उपस्थिति को महसूस करने का जो तरीके हैं, सबसे पहला है अपने पापों को उसके सामने अंगीकार करना, और पाप रिपेंटेंस एंड सीक फॉरगिवनेस, तौबा करना, ना दोबारा करने की, माफी मांगना पहले जो किए हैं, और उनके सामने बिल्कुल साफ मन से आ जाना, पूरी तरह से साफ, पूरी तरह से क्लियर। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारे मन के अंदर वो बोझ बना रहेगा, हम उनकी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर सकते। भजन संहिता 32:3-5 आयत तक लिखा है, दाऊद कहता है, जब मैं चुप था अपने गुनाहों के कारण, तो मेरी हड्डियां वेस्ट होने लग गई, खराब होने लग गई, और मेरी जो कराहना था वो सारा दिन चलता था। फॉर डे एंड नाइट, दिन और रात परमेश्वर आपका हाथ मेरे ऊपर भारा था, और मेरी जो शक्ति थी वो खत्म हो रही थी, जैसे कि गर्मी के अंदर इंसान की शक्ति खत्म, बलहीन हो जाता है। फिर मैंने अपने पाप को अंगीकार किया, और आपने मेरी जो पाप थे उन्हें कवर नहीं किया। मैंने कहा, परमेश्वर मैं आपके सामने अपने पापों का कि एक्सेप्ट करूंगा, उसके सामने कन्फेस करूंगा, और फिर आपने मेरे पाप को मुझे क्षमा कर दिया। अगर हम उनकी मौजूदगी को, उपस्थिति को, प्रेजेंस नहीं, उनको प्रेजेंस को हम फील नहीं करते हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि हम उनका या उनके पुत्र का काफी देर तक उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हम अपने कामों में इतने बिजी हैं, हम अपने मन के अंदर क्या है उनके सामने खोलें, और फिर ये मांगे कान जो उनकी आवाज को सुन सकें। पहला योहन्ना 1:9 आयत में लिखा है, अगर हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो वो फेथफुल है, धर्मी है, हमें पापों से क्षमा देने के लिए, और हमें हर तरह के अधर्म पने के काम से धोने के लिए, उनके सामने अपने आप को शुद्ध करना कन्फेशन के द्वारा, ताकि वो जो कम्युनिकेशन था, जो बातचीत थी, परमेश्वर की आवाज को हम दोबारा फिर सुन सकें, उन्हें महसूस कर सकें। दूसरा है वचन को बोलकर पढ़ना, बोलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ना, जो आवाज है उसे सुनना,
उस आवाज को जो हम बोल रहे हैं उसे महसूस करना और वचन की शक्ति को महसूस करना, ताकि हम उनकी वचन की शक्ति उसके साथ हम पूरी तरह से ओवरवेलमिंग प्रेजेंस हम उसकी महसूस कर सके, उनको हम पूरी तरह से महसूस करें। रोमियो के पुस्तक 10वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, विश्वास आता है सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन को, वचन को पढ़ना सुनना अपने कानों से ताकि वो अंदर चला जाए। इब्रानियों के 4वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, उसका वचन जिंदा है, एक्टिव है और दोधारी तलवार से तीखा है। जो वचन का फ्लो है, जो वचन का बहाव है, वो आए हमारे अंदर ताकि हमारे मन को, अंतर मन को पूरी तरह से कन्विक्शन, इंस्पायरेशन और डिटर्मिनेशन धो दे, हमें पूरी तरह से शुद्ध कर दे। तीसरा है उसकी उसकी महिमा को गाना, महिमा के गीत गाना। भजन संहिता 104:33 में लिखा है, मैं सारी उम्र परमेश्वर की महिमा के गीत गाऊंगा। ऐ परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मैं आपकी महिमा के गीत गाऊंगा। परमेश्वर की महिमा करना हमें उनके नजदीक लाता है, क्योंकि महिमा के दौरान हम अपने मनों को खोल देते हैं उनके सामने। इस प्रकार हमारा फोकस अपने आप से हटकर उन पर चला जाता है। जब हम आराधना में जुड़ते हैं चर्च के अंदर, हमारे अंदर ये एकदम हम फील करते हैं, ये महसूस करने का तीसरा तरीका है। चौथा है उनके नाम को पुकारना, क्योंकि उनके नाम के अंदर बल है। प्रेरितों की पुस्तक का 4वां अध्याय 12वीं आयत में लिखा है, सर्वेशन मुक्ति किसी और में नहीं, क्योंकि और कोई नाम ही नहीं है स्वर्ग और धरती के ऊपर जिसमें जो इंसानों को दिया गया है, जिसके द्वारा हम मुक्ति पाएं, जिसके द्वारा हम बचाए जाएं। बोले हम यीशु नाम को, उनके नाम को हम बोलें, पुकारें, अपने आप को उनके सामने खोलें, फिर उनकी प्रेजेंस को, उपस्थिति को हम महसूस करें, उनकी शांति हमारे जो अंतर मन में जो तूफान चल रहे हैं उन्हें शांत करती है। फिर पांचवा है प्रार्थना के अंदर उनके सामने अपनी हर जरूरत को रख देना, रखना कि हम, मैं मांगता हूं आपकी उपस्थिति परमेश्वर, मैं चाहता हूं आपके सामने आना। भजन संहिता 66:17 में लिखा है, मैंने अपने मुंह से पुकारा परमेश्वर को और मेरी जुबान ने उनकी महिमा की। और इस प्रकार हम एक बच्चे की न्याय, एक बच्चे की तरह उनके मन को छू देते हैं, जैसे एक बच्चा अपने पिता की तरफ जाता है। हम अकेले ना चलें, उनके साथ चलने की कोशिश करें। इसी तरह हम जब इस प्रकार किसी परेशानी में है, अकेले सैर करने निकल जाएं, अकेला जहां पर कोई और ना हो, वहां पर एक्सरसाइज के दौरान हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे हमारे मन के अंदर वो एक शक्ति आती है, बल आता है, और उसमें फिर अपने मन को हम खोलें उनके सामने और उनकी अद्भुत शक्ति को महसूस करें, ताकि उनका जो उनके साथ हमारा रिश्ता है और मजबूत हो। छठा है जो पुरानी हमारे साथ आशीषें हमें मिली हैं, मुझे चंगाई मिली थी बीमारी से, उसे याद करना, और जब बहुत ज्यादा ट्रायल, डिफिकल्ट टाइम था, उस समय याद करना। निर्गमन की पुस्तक के 13वें अध्याय की 9वीं और 16वीं आयत में इजरायलियों के ऊपर इतने ज्यादा अद्भुत चमत्कार हुए थे, लाल समुद्र खुल गया था, रेड सी खुल गया था, और इसके लिए उनके लिए वो फेस्टिवल सेटअप किए गए थे। परमेश्वर ने कहा तीन बार आप आओगे मंदिर के अंदर आराधना के लिए। ये याद करना है कि हम उनकी जो ये आशीष है उनको हम ग्रांटेड ना मान लेंगे, तो मिलना ही मिलना है, हम उसको चाहें, उसको मांगें। नीति वचन 7:2-3 में लिखा है, उनकी आशीषें जो हमारे लिए हुई हैं उनको लिख लो, जैसे एक जर्नल या डायरी लिखने लग जाते हैं। जब हम तकलीफ में हैं उसे खोलें, पढ़ें उसको, मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने उस समय क्या कहा था परमेश्वर की आराधना में। सातवां है अपने मन को, अंतर मन को हर दिन बदलना, उत्साहित करना, स्थिरता में आना, हर तरह के काम को रोक देना और कुछ समय के लिए रुक जाना।
भजन संहिता 46 की 10 में कहा है, स्थिर रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। ये कोई सलाह नहीं है, ये कमांड है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर चीज को छोड़कर सिर्फ उन्हीं के ऊपर, स्थिरता में उनके ऊपर केंद्रित हो जाएं। जब हम इस प्रकार स्थिरता में आते हैं, तब फिर हम आत्मिक बातों का को महसूस करते हैं कि ये दुनिया भी हमसे बहुत बड़ी है। मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर कंट्रोल कर रहे हैं। मैं इस दुनिया का केंद्र बिंदु नहीं हूँ, परमेश्वर है। परमेश्वर को मेरी जरूरत नहीं है, मेरी होंद कुछ भी नहीं है। परमेश्वर मेरे साथ हैं, तभी मैं कुछ हूं। परमेश्वर के जो मेरा रिश्ता है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। हम जो जल्दबाजी में हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तो उनकी हजूरी को हम नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि उस समय उनकी उपस्थिति को महसूस तो क्या करना, हमारे मनों के अंदर शक आने लग जाते हैं। पर अपने मन को, अंतर मन को परमेश्वर के वचन से भर लें। हम रोमियों की पुस्तक के 12वें अध्याय की 1-2 आयत में लिखा है, उसके वचन की जो शक्ति है, वो डर की जो बंधन है उन्हें काट देती, तोड़ देती है। और फिर 3 तरह हैं, अपने मन को रिन्यू करना, अपने मन को, दिमाग को, मस्तिष्क को हर रोज ताजा करना, पढ़ना, उस पर मनन करना और उसे याद करना। पढ़ना वचन को, वचन पर मनन करना और उसे याद करना, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमने पढ़ा था उसे हमें याद करा सके, ताकि हम जो शक है उनसे निकल सके। भजन संहिता 1-2 आयत में लिखा है, परमेश्वर के फिर उपस्थिति में हम सही काम करते हुए अपना समय बिताएं। व्यवस्था विवरण के 11वें अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर को प्यार करना, उन्हें याद करना, उनके वचन को अपने मन, अंतर मन के अंदर लिख लेना। वो कहा है कि मेरे वचन को लिख लो अपने मन के ऊपर, हाथों पर लिखो, फाइलेक्ट्रीज यहां बांध के रखो। यहूदी लोग यहां पर बांध लेते हैं, ये फिजिकली ही नहीं है कि इसको हमने लिख के कागज पर लिखा और यहां पर बांध लिया हमने बैंड बनाकर। इसे हमने अपने मस्तिष्क के अंदर उतारना है। उतर जाता है वो वचन, तब हम उनकी उपस्थिति को महसूस करने लग जाते हैं, जानते हैं फिर उनकी उपस्थिति को, हम उसमें फिर हम जीने लग जाते हैं, वचन के अंदर फिर हम जीने लग जाते हैं। ये तरीका है उनकी हजूरी को पहचानने का। परमेश्वर की हजूरी में जो बने रहते हैं लोग, उनकी पहचान कैसे होती है? भजन संहिता का 15वां जो हमने अध्याय पढ़ा था, उसके अंदर 11 इस प्रकार के चिन्ह हैं उन लोगों के जो परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं। गलातियों के पुस्तक के 6 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हमें भले काम करने पर ही नहीं रुकना है, बल्कि एक्टिवली उसके पीछे अच्छा करने में लगना है। और ये परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए आशीष दी गई है, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा जो हमारे टीचर हैं, हमारे गाइड हैं, एडवोकेट हैं, ताकि वो हमारा ध्यान बिंदु प्रभु यीशु के ऊपर बनाए रखें, हमें याद कराते रहते हैं। तो सबसे पहला पहचान का है, वो सच्चाई को मानते हैं, जो उनकी हजूरी में सच को ही मानते हैं, सच को समझते हैं, सच ही बोलते हैं, सच के अनुसार ही जीते हैं, कोई आधा सच नहीं, कोई झूठ नहीं। और फिर उनके बारे में कोई कुछ कहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सच के अंदर ही हैं। और सच के साथ जब हम निकलते हैं झूठ में, तो परमेश्वर की जो प्रोटेक्शन है, हम उससे बाहर निकल जाते हैं। झूठ से हम अंधेरे में चले जाते हैं, शैतान के अधिकार में चले जाते हैं। दूसरा है, वो दूसरों से प्यार करते हैं। मत्ती 22:38-40 तक 2 ग्रेट कमांडमेंट्स के बारे में बताया है, एक परमेश्वर को पूरी तरह से अपने विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर स्ट्रेंथ प्यार करना, दूसरा अपने नेबर को प्यार करना। हम प्यार कैसे करते हैं? उनका आदर करके, अपना जो हम बात बोलते हैं उनके बारे में, उस पर हम कंट्रोल रखकर, किसी दूसरे के बारे में बात करना, हम देते तो हैं प्रार्थना रिक्वेस्ट, लेकिन उसमें गॉसिप शुरू हो जाती है, तुम्हें पता है उसके बारे में क्या हुआ, उसने बोला प्रार्थना करो मेरे लिए, गॉसिप नहीं,
सच्चाई बात करना, दूसरों से प्यार करना। तीसरा है धर्मी जन को, धर्मी धार्मिकता का आदर करना, दूसरों का आदर करना, और जो विकेंड है, अधर्मी है, उससे दूर होना, उसको डिस्पाइज, उसका उसको हेट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। जबकि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पर अंधेरे का राज्य है, विकेट लोगों का राज्य है, शैतान का राज्य है, लेकिन प्रभु यीशु हमारे रोल मॉडल हैं और हमें उनके जैसा बनना है। और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो दूसरों का आदर करते हैं, जो प्यार करते हैं, जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जो सच्चाई का आदर करते हैं, जो परमेश्वर की चीजों के पीछे भागते हैं, तो ये चीजें फिर उन्हें परमेश्वर की हजूरी में लेके जाती हैं और वहीं बनाए रखती हैं। चौथा, कमिटमेंट जो हमारी हैं उन पर बने रहना। जो हमने कह दिया हाँ है तो हाँ है। परमेश्वर वादों का परमेश्वर है और वादों को पूरे करने वाला परमेश्वर है, और वो यही चाहता है हमसे भी, हम जो कहें उस पर बने रहें। अगर हम ये नहीं मानते हैं तो फिर परमेश्वर से हम कैसे आशा करें? हम तो नहीं अपनी बात को पूरा उतरेंगे, लेकिन परमेश्वर आप अपनी बात पर पूरा उतरो, वो क्यों उतरें फिर? पांचवा है लोगों को, उनकी वैल्यू जानना, लोगों का आदर बनाए रखना। ये वो तीसरे वाली सी है, दूसरों से प्यार करना। उसके साथ ही है, जब हम दूसरों को प्यार करने लग जाते हैं उस स्थिति में भी कि जब हमारा कुछ नुकसान होने का चांस है, हम अपने आप का आदर कम करते हैं, दूसरों को बढ़ाते हैं। दूसरों को प्रमोट करना अपने आप को नीचे भी रखना चाहे, फिर हम उसकी हजूरी में बनते हैं। और ये पहचान के पांच चिन्ह हैं उन लोगों के जो उसकी हजूरी में बने रहते हैं। इसी प्रकार हम जान सकते हैं कौन उसकी हजूरी में है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, कैसे धन्य हैं आप, कैसे धन्य हैं हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, जिन्होंने हमें आप तक पहुंचने का रास्ता दे दिया, अपने लहू द्वारा हमें शुद्ध कर दिया ताकि हम आपके सामने खड़े हो सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, भर दीजिए हमें पवित्र वचन से, परमेश्वर के प्यार से, सेल्फ कंट्रोल से, ताकि हम उस हजूरी में उस उपस्थिति को सिर्फ महसूस ही ना करें बल्कि उसमें बने रहें, सच्चाई में चलें, दूसरों का आदर करने वाले, दूसरों को प्यार करने वाले बने। परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर इस तरह से भर दीजिए कि वह हमारे अंदर से उमड़ कर दूसरों तक पहुंचे, आशीषें जो हमें हैं, हमारे पास हमें मिली हैं, दूसरों तक पहुंचे, ताकि हम वचन सुनाने का हमारा यही हमारा जीवन वचन सुनाने का एक तरीका बन जाए। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं पिता परमेश्वर, सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के घर में रहने का एक दिन इस संसार में रहने के हजार साल से भी अच्छा है। हम सिर्फ उनकी प्रेजेंस में जाना ही नहीं चाहते बल्कि वही रहना भी चाहते हैं, और हमारे इस जीवन के मिशन को हम इसी प्रकार पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने में ही भरपूरी का जीवन है, जिसका प्रभु यीशु ने हमसे वादा किया था। आशा करते हैं कि आज के इस एपिसोड से आप आशीषित हुए होंगे। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आप हमें कॉल करें, और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन, स्टे ब्लेस्ड। शालोम।